इस वीडियो के थंबनेल में जो सवाल लिखा है, क्या सच में वो पॉसिबल है? क्या कोई खिलाड़ी भारत और पाकिस्तान दोनों टीम की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर सकता है? इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से सेम प्लेयर खेल सकता है? इस सवाल का जवाब आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे, और साथ ही जानेंगे एशिया कप से जुड़ी हुई सारी बातें जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है, और वो भी सिर्फ 10 क्वेश्चन में। 10 क्वेश्चन में हम ये पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी कवर करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वो 10 क्वेश्चन देखने हैं, और साथ में इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आरोहण में। आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एशिया कप को ऑर्गेनाइज कौन करती है, वो कौन सी एजेंसी है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एशिया कप को कंडक्ट करता है। हमारे सामने पहला सवाल यही कहता है कि एशिया कप का आयोजन करने वाली संस्था का क्या नाम है। हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल है, ऑप्शन ए है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ऑप्शन बी है BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, सी ऑप्शन है ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल, और डी ऑप्शन है PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो एशिया कप का आयोजन करने वाली संस्था का नाम जिसमें मेंशन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ACC, मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल ही वो एजेंसी है जो एशिया कप का आयोजन कराती है, और इस एजेंसी का, इस काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट 1983 में हुआ था, और इसके बाद से ये एशिया कप का आयोजन करा रही है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो निर्माण हुआ था वो एशिया में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए किया गया था, और इसको बनाया गया था 1983 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एशिया कप का सबसे पहला आयोजन कब हुआ था, एशिया कप सबसे पहली बार कब ऑर्गेनाइज किया गया था, सबसे पहला जो टूर्नामेंट हुआ था वो कब हुआ था। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है 1983, 1984, 1986 और 1998। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसका आंसर है बी 1984। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट 1983 में हुआ था, जिसके बाद 1984 में सबसे पहला एशिया कप का आयोजन किया गया था। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल हमसे पूछा जाता है कि एशिया कप का आयोजन किस जगह पर हुआ था, सबसे पहला आयोजन, फर्स्ट वेन्यू क्या था एशिया कप ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पर। इसमें ऑप्शंस हमारे पास है ए शारजाह, बी मुंबई, सी ढाका और डी लाहौर। इसका आंसर है ए शारजाह। शारजाह में सबसे पहला एशिया कप ऑर्गेनाइज किया गया था, सबसे पहली बार 1984 में जो वेन्यू था एशिया कप के लिए वो शारजाह था। अब हमसे पूछा जा रहा है एशिया कप कौन से फॉर्मेट में खेला जाता है। क्रिकेट के 3-4 फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल, T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाता है। तो ये एशिया कप जो ऑर्गेनाइज होता है, एशिया कप जो होता है वो कौन से फॉर्मेट में खेला जाता है। मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट फिर भी देखते हैं। हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या, हमारे पास ऑप्शंस में है ए टेस्ट, बी वनडे इंटरनेशनल, सी T20 इंटरनेशनल और डी कहता है वनडे और T20 दोनों। देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है हमसे। इसका आंसर है डी वनडे और T20 दोनों। वनडे और T20 दोनों ये रिसेंटली ही हुआ है, 2016 में ही अनाउंस किया गया है कि एशिया कप T20 फॉर्मेट में भी खेला जाएगा। इसके पहले तक ये कॉम्पिटिशन सिर्फ वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेला जाता था। आगे बढ़ते हैं, ये एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन से साल में पहली बार एशिया कप का आयोजन T20 फॉर्मेट में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर बता दिया है, तो आप सभी को पता ही है कि इसका आंसर है ऑप्शन ए 2016 में ICC ने अनाउंस किया था कि एशिया कप अब 2016 ऑनवर्ड्स T20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में खेला जाएगा, अल्टरनेटिवली
एवरी टू ईयर्स ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और जैसे कि 2016 में इन्होंने T20 फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, देन 2018 जो कि अभी चल रहा है एशिया कप अभी वनडे फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, देन नेक्स्ट जो टूर्नामेंट होना है में वो फिर से T20 फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो अब से ये 2016 ऑनवर्ड्स ये रोटेशन बेसिस पे बिटवीन T20 एंड वनडे इंटरनेशनल ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है 1986 में एशिया कप का बहिष्कार करने वाली टीम कौन सी है। 1986 में जो एशिया कप हुआ था उस टीम का बायकॉट, उस कप का, उस टूर्नामेंट का बायकॉट करने वाली टीम कौन सी है। हमारे पास ऑप्शंस है पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। तो इसका आंसर है भारत। भारत ने उस टूर्नामेंट का बायकॉट किया था, उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से मना कर दिया गया था, क्योंकि उसका रीज़न था ये टूर्नामेंट 1986 का जो होस्ट कंट्री था एशिया कप का वो कंट्री था श्रीलंका। श्रीलंका ने होस्ट किया था, श्रीलंका में ये टूर्नामेंट खेला गया था, और श्रीलंका इंडिया टूर की थी जस्ट वन ईयर पहले, 86 के पहले 85 में श्रीलंका ने इंडिया में टूर किया था, और वहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच कुछ क्रिकेटिंग कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसकी वजह से भारत ने श्रीलंका में जा कर के 1986 में जो एशिया कप हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय इंडिया और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के बीच में कुछ क्रिकेटिंग प्रॉब्लम चल रही थी, क्रिकेटिंग टेंशन चल रही थी, पॉलिटिकल नहीं, क्रिकेटिंग टेंशन थी। क्रिकेटिंग टेंशन की वजह से जिस टूर्नामेंट में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है एशियन क्रिकेट काउंसिल का वर्तमान मुख्यालय कहां पर है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कौन सी जगह पर है। ऑप्शंस में दिया हुआ है मुंबई, कोलंबो, कुआलालंपुर और ढाका। तो इसका आंसर हमारे पास है कोलंबो। कोलंबो में एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर्स 20 अगस्त 2016 को इनॉग्रेट हुआ है, और अभी रिसेंटली अभी करंट में हेडक्वार्टर्स एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोलंबो में है। आगे देखते हैं एशिया कप में सबसे सफल टीम कौन सी है, मतलब जिस टीम ने सबसे ज़्यादा बार टाइटल जीता है, एशिया कप को जीता है सबसे ज़्यादा बार, वो टीम कौन सी है। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भारत। तो इसका आंसर है भारत। भारत ने सबसे ज़्यादा बार ये टाइटल जीता है। भारत ने वनडे फॉर्मेट में ये टाइटल 5 times जीता है, और 2016 में जो T20 फॉर्मेट में जो एशिया कप हुआ था उस एशिया कप का भी विनर भारत था। तो ओवरऑल अगर देखें T20 और ODI दोनों फॉर्मेट का जो एशिया कप है उसको इंक्लूड करके, तो इंडिया 6 times टाइटल जीत चुका है, एशिया कप को 6 times जीत चुका है, और उसके बाद श्रीलंका ने 5 times इस एशिया कप को जीता है, और पाकिस्तान ने 2 times इस एशिया कप को जीता है। अगला सवाल है, अब तक कुल कितनी बार ऐसा हो चुका है जब भारतीय क्रिकेट टीम ने लगातार 2 दिनों में 2 वनडे मैच खेले हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि हांगकांग और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने 18 और 19 सितंबर 2018 को लगातार 2 मैच खेले हैं, तो ऐसी सिचुएशन इससे पहले और कितनी बार इंडियन टीम फेस कर चुकी है, इंडियन टीम को और इससे पहले कितनी बार ऐसे 2 times लगातार मैच खेलने पड़े हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस है ए 20, बी 3 times, सी 44 times, डी 37 times। इसका आंसर है हमारे पास सी 44 times। 44 times इंडियन टीम अभी तक ऐसा हो चुका है कि 2 days लगातार 2 दिनों में 2 वनडे इंटरनेशनल खेले। अब देखते हैं हमारा जो सवाल हमने इस वीडियो की शुरुआत में जो आपसे पूछा था, जो आपको बताया था कि क्या सच में ये पॉसिबल है, इस सवाल को पढ़ते हैं। इनमें से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने भारत और पाकिस्तान दोनों की अंतर्राष्ट्रीय टीम की तरफ से मैच नहीं खेला है। मतलब इन 4 options में से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों की इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम की तरफ से मैच खेला है, इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया है। मतलब ये तीन खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों की टीम की तरफ से खेला है। तो ये क्वाइट अनकॉमन चीज़ है, जो जनरली हम सोचते हैं कि ऐसा शायद पॉसिबल नहीं होगा, बट ऐसा है, एक्चुअली में पॉसिबल है। तो पहले हम इस सवाल का जवाब देखते हैं कि इनमें से वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने दोनों कंट्रीज़ के लिए नहीं खेला है।
तो हमारे पास आंसर है सिकंदर वक्त। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला है, इंडिया की तरफ से इन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला। बाकी जो तीन खिलाड़ी हैं, इन तीनों खिलाड़ी ने जो है आमिर इलाही, गुल मोहम्मद और अब्दुल हफीज़ करदार, इन तीनों ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। आमिर इलाही ने इंडिया के लिए 1947 में एक टेस्ट मैच खेला था जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, और फिर इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था 1952 से लेकर के 1953 तक। आमिर इलाही इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए खेले हैं। इंडिया के लिए इन्होंने खेला 1947 में एक टेस्ट मैच, और फिर पाकिस्तान के लिए इन्होंने खेला है 1952 से 53 तक पाकिस्तान के लिए ये खेलते रहे हैं। गुल मोहम्मद की तरफ आते हैं। गुल मोहम्मद ने इंडिया की तरफ से 1946 से लेकर के 1955 तक खेला है, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए 1956 में एक टेस्ट खेला है। सिर्फ एक टेस्ट खेला इन्होंने पाकिस्तान के लिए, और वो खेला इन्होंने 1956 में। उसके पहले तक ये 1946 से लेकर 1955 तक इंडियन टीम के लिए खेलते रहे। अब्दुल हफीज़ करदार जी हैं, इन्होंने 1946 से लेकर 1948 तक इंडिया टीम के लिए मैचेस खेले, एंड देन 1948 टू 1958 तक इन्होंने पाकिस्तान के लिए मैच खेला है। ये बात बिल्कुल सही है कि इन तीनों खिलाड़ियों ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के इंटरनेशनल टीम की तरफ से मैचेस खेले हैं। थोड़ा सा अनरियल लगता है, बट दिस इज़ ट्रू। तो ये 10 क्वेश्चंस थे एशिया कप से रिलेटेड। इन 10 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एशिया कप से जुड़ी हुई है, जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें इन 10 क्वेश्चंस में कवर हो गई। आप इन 10 क्वेश्चंस को पढ़ लोगे, समझ लोगे अच्छे से, तो इसके बाद आपको एशिया कप से किसी भी क्वेश्चन की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इन 10 क्वेश्चंस में कवर हो गई हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, आपका सपोर्ट हमको दिखाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अपना सपोर्ट दिखाएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट करें, अपने कमेंट्स के थ्रू हमको बताएं कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट हमारी चैनल की तरफ से मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइज़।